बाड़मेर के चौहटन रोड रेलवे फाटक में बन रहे ओवरब्रिज का कार्य शुरू होने के साथ ही क्षेत्रवासियों के लिए ये कार्य आफत बन गया है। कार्य की धीमी गति से यहां के दुकानदार और रहवासी परेशान हैं, तो बिना सेफ्टी के हो रहे कार्य के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो बिना चेतावनी बोर्ड के कार्य किया जा रहा है, जिससे जगह जगह खोदे गए गड्ढों से प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहे के पास रेलवे ओवर ब्रिज का काम अभी तक पूरा हुआ है, लेकिन इसके निर्माण कार्य में लगी लोहे की एंगले और लोहे के पत्थरों के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस निर्माण में लगे ठेकेदार ने बेतरतीब तरीके से निर्माण शुरू किया है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। वहीं इस निर्माण के कारण दर्जनों दुकानदारों के लिए लगाए गए बैरिकेड उन लोगों को दाने दाने का मोहताज कर रहे हैं। रैन बसेरा रेलवे फाटक पर बरसों से जाम की गंभीर समस्या है। यहाँ पर भारी ट्रैफिक दबाव में रेलवे फाटक बंद होने पर जाम लग जाता है। घंटों रोजाना के जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों की समस्या से छुटकारे के लिए ओवर ब्रिज की स्वीकृति की गई। यहां पर काम करने वाली फर्म ने रेलवे फाटक से चौहटन चौराहे तक सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। इससे दर्जनों दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब जब काम पूरी तरह से शुरू होने में समय लगता नजर आ रहा है, तो दुकानदारों का कहना है कि इस अवरोध को के लिए हटकर उन्हें राहत दी जाए। वहीं दूसरी ओर जहां जहां अवरोध लगाए गए हैं, उनका अव्यवस्थित होना लोगों को दुर्घटना का शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि बाड़मेर शहर में जल्द ही सभी रेलवे फाटक से निजात के लिए और उसकी स्वीकृति हुई है। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर शहर के चौहटन रोड रैन बसेरा फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। करीब 31,51,00,000 रुपए की लागत से 630 मीटर लंबा 2-लेन ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। इस ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित होने वाले भवनों और भूखंड मालिकों को इसका 8 करोड़ रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है। ये कंपनी बिगर प्लानिंग पूरा काम कर रही है, किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। और अभी परसों की घटना है, एक ये जो जेसीबी वाला काम कर रहा था, नबल इंग्लैंड का था, उसने उसके धंबा एक आदमी के ऊपर गिरा दिया और आज भी वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। और बिगर प्लानिंग कर रहे हैं और पूरा का पूरा काम बिखेर दिया उन्होंने। अब ये ऐसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि 2-4 जने यहाँ चोटिल नहीं हो। चारा और गड्ढे खोद दिए, जैसे भी आप देख रहे हो, नाले ओपन कर दिए हैं और गड्ढे खोद दिए हैं। इससे ज़्यादा अच्छा था कि 200-300 के फुट के ब्लॉक बना के यदि काम करते तो पब्लिक को भी कम परेशानी होती और काम भी अच्छे तरीके से होता। अभी भी समय है और अभी तो ये 15-20 दिन या 1 महीने बाद जो बरसात आएगी, इससे हालत और भी बेहतर होगा, लोग यहाँ से चल नहीं पाएंगे। चेतावनी का बोर्ड नहीं है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और अभी दो दिनों में कंटिन्यू यहाँ घटनाएँ हो रही हैं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की अनुशंसा पर सरकार ने ओवरब्रिज की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, लेकिन काम की मंद गति के कारण दर्जनों दुकानदार या तो पलायन कर चुके हैं या फिर ग्राहकों का दिन भर इंतजार करते थकते नजर आते हैं। शहर का विकास का नया स्तंभ कईयों के घरों की बदहाली के आलम के साथ साथ लोगों को चोटिल भी कर रहा है।